जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करी हूँ मैं आपका हमारे वीकली राशिफल में। आज हम जानेंगे कि 15 से 21 अप्रैल का सप्ताह हमारे लिए कैसा जाएगा। गाइडेंस भी दूंगी, क्या करना है वो भी बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जो राशिफल है इसे आप अपनी जन्म कुंडली में जो आपकी सटीक राशि है उसके अनुसार देखिए। राशि नहीं पता है तो उस स्थिति में नाम राशि से भी इसको देखा जा सकता है। ये जो राशिफल है ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होते हैं, भगवान से जो भी आभास रूप में पता लगता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि ये कॉमन प्रिडिक्शन है, कॉमन राशिफल है, तो हो सकता है इसमें कुछ बातें आपसे मिल जाए और बाकी चीजें दूसरों के लिए हों। तो आपके साथ जो भी मैच करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। लेकिन इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। हमारे लिए ज्योतिष जो है वो कमाने की नहीं सेवा की विद्या है, इसीलिए हर गुरुवार हम दरबार लगाते हैं। अब आप कहते हैं कि गुरुमा आप फोन पे बता दीजिए, लेकिन हमारे यहाँ का जो नियम है, जिस गद्दी पर हम बैठते हैं, जिसके वजह से हमें ये चीजें प्राप्त है, जिससे हम आपको बता पाते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, कुछ रूल्स है कि आपको एक नारियल लेकर के आना होता है। नारियल मुझे नहीं खाना है, ना ही वो मुझे चाहिए, ना ही आपने यहाँ चढ़ाना है, उसे सिद्ध करके दूंगी, आपने स्वयं ही अपने घर में उसका प्रयोग करना है। क्योंकि तो मेरा मानना है कि केवल अपना भविष्य जानने से आपका भविष्य बदल नहीं जाएगा। जब तक कि उसका उपाय नहीं करेंगे, जब तक कि भगवान की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी, जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो उसी के लिए जो भी अब तक पुण्य कर्म कमाए हैं, जो भी मंत्र शक्ति प्राप्त की है, उससे नारियल को मंत्र सिद्ध करके मैं आपको देती हूँ। साथ ही जन्म कुंडली भी देखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। तो जो भी व्यक्ति परेशान है, दिल्ली अवश्य आए और आकर के हमसे एक बार मिले। हाँ, बस भीड़ थोड़ी ज्यादा होने लगी है, तो हो सकता है एक बार में आपका नंबर ना आए, लेकिन मेरा वचन है आपसे एक ना एक दिन आपसे जरूर मिले। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे दिख रहा है आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, स्पेशली अपनी फैमिली को लेकर के, या अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के, या अपने पार्टनर के साथ, या अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं कुछ लोग। तो उसकी वजह से आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं और कुछ लोग तो रो भी रहे हैं छुप छुप के, या मन रो रहा है, आंखों से आंसू लेके नहीं निकल रहे हैं। तो काफ़ी इमोशनल ये हफ्ता आपका गुजरने वाला है। साथ ही अगर देखिए तो इस समय में अगर आप अपने करियर वाइज बात करें तो करियर में आप काफ़ी चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कुछ स्पेशल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप फोर फ्रंट पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने करियर को लेकर के या अपनी जॉब को लेकर के अभी श्योर नहीं थे क्या करना है, या आपको पीछे रखा जाता था कि आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, तो इस हफ्ते में आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। आप अपने लिए लीड लेंगे, आप अपने लिए एक वॉइस उठाएंगे कि हमें ये करना है। आप पहले तो खुद श्योर होंगे और फिर आप सामने जो है करियर में एक गोल सेट करके उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो उस तरफ पैर बढ़ाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको थोड़ा सा धोखा या भ्रम सा हो सकता है किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे आपको लगे कि ये व्यक्ति तो सही नहीं है, लेकिन बाद में आपको ऐसा पता चलेगा कि वो व्यक्ति सही था। तो एक धोखा भ्रम हो सकता है, तो आई थिंक यू शुड नॉट बी जजमेंटल किसी के लिए भी। अगर पहले से ही आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति के बारे में कुछ जजमेंट हमारे दिमाग में आ रही है, तो आप इस रीडिंग को याद कर लेना और बिल्कुल भी किसी के लिए जजमेंटल इस हफ्ते में नहीं होना है। क्योंकि मे बी आपकी जजमेंट की वजह से सामने वाले को आप गलत उसके साथ बिहेव करें या गलत ठहरा दें, तो वो अच्छा नहीं है। पैसों में इस समय ग्रोथ होगी बिल्कुल, और आप अपनी फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग करते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि स्टेबिलिटी भी है और ग्रोथ भी है, मतलब दोनों ही चीज़ें बैलेंस में चलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्चा आप इस हफ्ते में कर देंगे, अगर खर्चा आएगा भी तो बिल्कुल सोच समझ के आप जितनी अमाउंट ज़रूरी है उतनी ही निकालेंगे और उसी हिसाब से उसको खर्च करेंगे। तो एक फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली प्लान्ड हफ्ता आपके लिए दिख रहा है, दैट इज़ वेरी नाइस। और ये प्लानिंग आप रात के समय में ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे सिद्ध दरबार में होते हैं लाखों चमत्कार, आइए जानते हैं भगवान शनिदेव ने किस भक्त पर अब कृपा की है। हम अपर्णा चटर्जी बोल रहे हैं, हम वेस्ट बंगाल से है, अभी हम दिल्ली में सेटल हुए हैं। हम यूट्यूब में गुरु मां रुक्मिणी जी का वीडियो देखा है और 2 महीने से यहाँ आ रहे हैं। मेरा सब काम अभी हो रहा है, मेरा जो मनोवासना लेके हम आए थे सब हो रहा है।
आप सबको बोलेंगे कि आप सब लोग आइए यहाँ पर। बृहस्पतिवार का, गुरुवार का जो दरबार है माँ का, यह पूरा पूरी निःशुल्क है। माँ सेवा देता है निःशुल्क में सब लोगों को। आप आइए, आपका भी काम हो जाएगा, मन में विश्वास रखिए। नमस्कार। सिंह राशि वाली लेडीज, अगर आप किसी प्रकार का कोई बिजनेस करती हैं या करना चाहती हैं, तो इस समय दो तरह की चीजों में आप फंसी रहेंगी, कंफ्यूज रहेंगी, आपको निर्णय नहीं हो पाएगा कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो कुछ कंफ्यूजन आपके लिए दिख रहा है। अगर बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये हफ्ता उसके लिए अच्छा है, आगे बढ़ सकते हैं। अगर डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं या फिर आपको अपने कहीं ऐसा कोई उपाय वगैरह कराना है या अपने बेबी के लिए ट्राई करना है, तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उसमें जा सकते हैं। हेल्दी बच्चे की प्राप्ति आपको हो सकती है। इस समय में जैसे दिख रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा आपको टकरा सकता है जो आपको पैसों का लालच दिखाए, तो उससे थोड़ा आपने दूर रहना है। बहुत ज्यादा स्माइल करता वो इंसान दिखाई दे रहा है, बड़ा हैप्पी दिखा रहा है अपने आप को, और आपको किसी तरीके से फाइनेंशियली वो फ्रॉड करना चाहता है या आपको फाइनेंशियली कहीं पे फंसाना चाहता है, तो उससे प्लीज आप केयरफुल रहिएगा। इस समय में किसी न्यूज का अगर वेट कर रहे हैं तो अभी वेटिंग में ही चलेगा। कोई ऐसी विशेष न्यूज आपके लिए आती नहीं दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, विदेश से किसी चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो अभी वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस समय में आपके घर में पता नहीं मक्खियां दिखाई दे रही, बहुत सारी मक्खियां जैसे आपके घर में आ जाएंगी, आपको मक्खियों से बहुत परेशानी होगी। कुछ लोगों के यहाँ तो ड्रैगन फ्लाई भी आ सकती है, तो वो थोड़ा आपने अपना जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं अपने प्रिकॉशन लेंगे। बच्चे आपके स्कूल में लड़ाई करके आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लोगों को सॉरी सॉरी बोलना पड़ सकता है। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए दिख रहा है। अगर नींद ना आए इस हफ्ते में तो आप अपनी पोजीशन को उल्टा करके देखें, यानी कि अगर आप नॉर्थ की तरफ सर रख के सो रहे हैं तो साउथ की तरफ सर रख के सोइए, ईस्ट की तरफ सो रहे हैं तो वेस्ट की तरफ सोइए। तो उसको चेंज करने से आपको नींद की प्रॉब्लम जो आएगी वो ठीक हो जाएगी। इस समय में आपके काम को लेकर और आपको लेके काफी गॉसिप हो सकती है, यानी पीठ पीछे आपके बारे में काफी बातें बनाई जा सकती हैं, आग की तरह ये बातें फैलेंगी, बातें भी गलत हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी कोई सीक्रेट बात आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से। जय शनिदेव, जय श्री।